बनारसी शुक्रिया तुम मुझे इतना शुक्रिया करते हो ना तो मैं कई बार थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ तुम कंफ्यूज ही रहो क्योंकि मेरे पास दूसरी बनारसी यहाँ पर आ चुकी है हेलो जयती कैसी हो आ जाओ एक दो तीन लास्ट डे ऑफ 2023 है और ये है हमारे साथ जयती ओझा बिल्कुल और इंदु जी आपको और आमिर तुमको और सभी लिसनर्स को कहकर बुलाने के लिए जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया okay. और जब बनारस की बात आ गई इंदु जी तो गंगा को हम कैसे भूल सकते हाँ बिल्कुल तो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं क्या बात है कभी गंगा कभी यमुना बुलाती रोज थी हमको कभी गंगा कभी यमुना बुलाती रोज थी हमको किसी दिन तुम नहीं आए किसी दिन हम नहीं आए लेकिन आज तो हम तीनों आ गए हैं बिल्कुल और ये संगम हो चुका है यस कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत अच्छा लेकिन लग रहा पता है आमिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं लेकिन हमें फिर भी अच्छी लगती हैं जैसे कि मैं किसी की समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी अच्छा लगता जैसे कि तुम जैसे कि मैं सुनाई देते हैं दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं इसी को कहते हैं मैजिक मैजिक जी कुछ बोल रहे थे बताओ क्या कह रहे थे हाँ मैं ये कह रहा था कुछ कभी कभी कुछ गाने भी ऐसे होते हैं ना इंदु कि वो हमारी जबान के नहीं होते हैं लेकिन जो उनका मूड होता है उनकी फील होती है वो हमारी रूह जो है वो महसूस कर लेती है इसी को कहते होंगे जादू शायद है ना शायद जैसे कि ये गाना तुमने साल में कब सुना था बताओ जरा अभी इसी साल सुना था
वेल, ये एक ऐसे सॉन्ग है जो ईरान से आया और हम सबके दिलों पे इतना ही अच्छे से उतर गया कि लगता ही नहीं कि पराया है, क्योंकि खुशी का जो खुशी का जो निमंत्रण होता है ना, और खुशी का जो एहसास होता है, फ्लेवर होता है, वो हर किसी को समझ में आ जाता है। इसी को कहते हैं प्यार। तो फिर आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और देखो ना, 11:15 बज गए यार, कैसे पता ही नहीं चलता टाइम कैसे इधर से उधर हो जाता है। देखो ना, वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। अच्छा बीते, ये हम सबकी ही चाहत रहती है, खैर के साथ बीते। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 साल के रंग गोल्ड के संग आमिर और इंदु। 31 दिसंबर 2023
1, 2, 3 हाँ, इसमें भी एक राज है ना मैथमेटिक्स. मेरा तो मैथ बेकार है, तुम बताओ. इन बस यहीं पे आके बात रुक जाएगी और तुम्हें मालूम है कि रेडियो पे पॉज नहीं जाना चाहिए. सो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये आप भी कैलकुलेट करके बताइए. वैसे 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है? मौसम वही होता है, कैलेंडर बदल जाता है, तारीख बदल जाती है. साथ साथ एक और रीजन हमारे पास होता है इंजॉय करने का, क्योंकि न्यू ईयर ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार हो. पता है मैं जब आ रही थी ना, सभी का त्यौहार, सबका सबका, तो रास्ते में मैंने देखा कि फूल बिक रहे थे, बहुत सारे गेंदे के फूल. देन आई रियलाइज, ओ हां, कल सुबह तुम देखना सारी बसें सजी होंगी. सजी होंगी, मतलब बहुत खुशनुमा होता, बहुत खुशनुमा माहौल होता है. और गेंदे के फूलों में तो वैसे भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं. तो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है. वीकेंड है, मंथ एंड है, ईयर एंड है. हाँ, अच्छा ये 1, 2, 3 ये था. ओके, समझ में आ गया. तो हमारे पास सिर्फ एक चीज है और वो है एंजॉय. एंजॉय. वैसे तुम कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी बताओ. हाँ, मैं कहना चाहता था कि जो हम गूगल की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो हमारे खिलाड़ी क्रिकेटर विराट कोहली साहब को ढूंढा गया और फिर मैं फुटबॉल खेलने लगा और इतने में तुमने एकदम से टांग अड़ाई और मैं गिर गया. मैं बता रहा था तुम्हें बेसिकली ये कि और अगर हम फुटबॉल खिलाड़ियों की बात करें तो रोनाल्डो को सबसे ज्यादा लोगों ने चाहा, उनको ढूंढा. इसका मतलब ढूंढा. वाओ. हम सनम तुम्हारे हो लिए, तो बोलिए, तो सुन लो, तो सुन लो, तो सुन 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 सुन, तो सुन लो जी. कहता है क्या जमाना, तो देखो जी, धक्के मियां ने जान, यार चुलबुला है. चल रहा है तीर दिल, बचाइए बचाइए, पहले नैनों की झुकी कमान तो उठाइए. क्या कर दीवाना, यार चुलबुला है. किसने ये हंसी शक्ल बनाई है, ऐसा लग रहा है तुमने गहरी चोट खाई है. तो देखो, तो देखो, तो देख 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 देख, तो देखो जी, इस दिल का दिल मिलाना, तो देखो जी, धोखे मियां ने जाना. यार चुलबुला है, हसीन दिल रुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा, तो बोलो जी, फिर क्या कर दीवाना. तू देखो जी, धोखे मियां ने जाना. तो बोलो जी, फिर क्या कर दीवाना. तू देखो जी, धोखे मियां ने जाना.
आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड। मेरे पवन मल्होत्रा की ओर से सभी भारतवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल तिरंग गोल्ड के सभी लिसनर्स को मंगल की मुक्ता की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे। आप सबको बहुत सारी बधाई। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमिर, और आपको बहुत सारा प्यार। पता है, जब हम लोग खाली बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या चीज सर्च की जाती है? सबसे पहले तो हम खाली बोलते हैं, खाली। खाली खाली। पता है, मेरी जो मासी हैं उनको खाली बोलते हैं, और जब मेरी बुआ जी को सबसे पहले पता चला कि हम उन्हें खाली बोलते हैं, तो कहती हैं ये बिल्कुल खाली है क्या? वेल, मैं सबसे ज्यादा यही ढूंढती हूँ कि सुंदरता के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तुम पैसे ढूंढती हो, मुझे पता है। इंटेलिजेंट हो, हाँ, और मैं पता कि जो क्या? कहा नहीं वो समझ में वो आ जाता समझ है, समझ में आ जाता है। और पता है मैं क्या ढूंढता हूँ? बताओ। सोचो तुम खाना ढूंढते होगे और क्या? वेरी सिंपल, मैं सुकून ढूंढता हूँ खाने के साथ। लेकिन मैं सुकून ढूंढती हूँ पैसों के साथ। ओके, सच्ची बता रही हूँ। 11:26 हो चुके हैं, ये है आकाशवाणी गोल्ड, और मैं हूँ आपके साथ इंदु आमिर। आमिर इंदु, इंदु आमिर हो गई। इंदु आमिर हो गई।
जैसा जैसा ये पैसा के हो मुसीबत न हो मुसीबत हाँ मुसीबत हाँ हो मुसीबत सात आठ नौ दस और मेरी तरफ से आप सभी सुनने वालों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं सलमा सुल्तान एफएम गोल्ड के श्रोताओं को मेरा नमस्कार आदाब और बहुत प्यार। मैं उम्मीद करती हूँ आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि नया साल हम सब के लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरे प्यारे देशवासियों 2024 अब कुछ ही घंटे दूर है। भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है। हम कोई भी काम करें कोई भी फैसला लें हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा इससे देश का क्या लाभ होगा। राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें फिट रहें खूब आनंद से रहें मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमें दुनिया के कई सारे हिस्सों में न्यू ईयर मन चुका है और देखो ना 11:32 हो चुके हैं और 39, 40 seconds, 41 ये कुछ अलग सी खुशी होती है। ऐसा लगता अलग सी खुशी होती हम है। क्या करने जा रहे हैं हम न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं मना रहे हैं। वेरी नाइस। 2023 के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली तो बहुत सारी बातें प्लान करते हैं हम आगे की तरफ। हाँ 2024 में कुछ क्या कुछ होने वाला है वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है ना। क्या कुछ है मेन्यू में हमारे इस 2024 के ईयर में। तो मैं तो स्पोर्ट्स की बात कर रहा था तो पेरिस में होंगे एन इवनिंग इन पेरिस में होंगे ओलंपिक। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2024 में नया क्या है। भारत में पहली बार T10 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा 2 से 9 मार्च 2024। क्या बात इसके है? अलावा जो मैं प्लान कर रही हूँ तुम्हें पता है अगर तुम 2024 का कैलेंडर उठा के देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि बड़े सारे वीकेंड्स ऐसे हैं जो काफी सारे लंबे हैं और जो लंबे वीकेंड्स हैं उनकी प्लानिंग अभी से मैंने कर ली है। रियली? Yes. मैं साथ में हूँ ना हम सब साथ हैं ना। नहीं तुम जाओ नजर पहले, आ रहा नहीं, नजर पहले कैलेंडर देखो और बार बार देखो प्लान okay. बनाओ फिर बताओ। डाले हो ओ बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल जुबा। डाले हो दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ और भी हम
रंग दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो, टाले हो, टाले हो। महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो के कहां दिल मिला, एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो के कहां, नया नया ये आशिकी का राज है मेरा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो, टाले हो। नमस्कार, मैं रोनू मजुमदार बांसुरी वादक मुंबई से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। नए साल की आमद पर आप सभी को विकास की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 11:38 39 9 के बाद 41 आता है सीधा, क्योंकि जब मेरी नजर गई तो 45 आ रहा है। इतनी तेजी से भाग जाता है ना। कोई बात नहीं लेकिन कितना अच्छा है ना आमिर, आज संडे है और संडे को 31 दिसंबर पड़ा, मतलब कोई एक्सक्यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बॉसेस से। हाँ, तुम कोई मूवी देख के आ रही है लगता है। हम इंडियंस की खाने के बाद घूमने के बाद सिनेमा हॉल जो है फेवरेट जगह होती है। लव, हम प्यार करते हैं अपनी फिल्मों से और उसके गानों से, उसके गानों से। तो कुछ बताओ तुझे, कुछ और तो बोलो यार। जो पत्ते मिलते हैं उन्हीं से बाजी खेलनी होती है और इस बाजी में सारे के मेरे हाथ में है। इंदु,
और सारे पत्ते मेरे हाथ में. ओके ठीक. तो ये जो डायलॉग था जॉन अब्राहम और आपका शाहरुख खान साहब के बीच में, ये डायलॉग बाजी थी. क्या तालियां और सीटियां बजी थी सिनेमा हॉल में, है ना? सच्ची में. और अगर थोड़ा सा पीछे मुड़के देखें तो 90 के दशक के कई सारे बड़े हीरो जिनका सिक्का अभी भी चलता है, चाहे सलमान खान की टाइगर जिंदा हो या फिर सनी देओल की गदर टू, क्या ने बहुत गदर मचा दिया था, है ना? हाँ. अब देखते हैं कि 24 में क्या होने वाला है, कौन सी गुल फिल्म है. हाँ. जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है. समझता काम नहीं ये है तेरे बस का, कुकड़ू कुकड़ू क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का, होश में आ जा ध्यान किधर है, अरे होश में आ जा ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है. मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से, अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से, सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है. ये बंदा ऐसी भी चल जाए बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए, गिली 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 छु छु छु, अरे चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए, ये भी करिश्मा देख इधर है, हाँ ये भी करिश्मा देख इधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है. लग रहा है कि डांस करना अभी से शुरू कर दिया, मतलब मेरे पैर तो रुक ही नहीं रहे जैसे प्रोग्राम खत्म होगा. मैं देख रहा हूँ चेयर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा घूम रही है. हैप्पी न्यू ईयर मनाना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए. बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर मनाना है हमको साल के रंग गोल्ड के संग 100.1 पर आमिर के साथ और इंदु के साथ. अच्छा इंदु, तुम बिंदु क्यों हो? क्योंकि उसमें से बिंदु हटा दोगे तो इंदु तुमको नजर आने लग जाएगी. हाँ मुझे इंदु नजर आ रही है वैसे. और इंदु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेसिकली कि साल जो है न्यू ईयर हम सभी मनाते हैं, तो ये जो न्यू ईयर है सबसे पहले
कहां पर मनाया गया था? वेल, अभी तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम ही दोनों मनाएंगे। बिल्कुल, हम ही मना रहे हैं यहां पर मिलकर स्टूडियो में। और ये बताइए इंदु, नहीं इंदु का ज्ञान मैंने सुना है कि बहुत तो बहुत गहरा है। तुम्हारी जो परीक्षा थी तुम उसमें पास हो गए। ओके, सुनो एक बात, नए साल में सबसे पहले किरीबाती में जो नए साल का जश्न है वो मनाया जाता है। किरीबाती अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन की वजह से अलग अलग देशों में तारीख बदलने का वक्त अलग अलग है। पूरी दुनिया की बात करें तो कैलेंडर बदलने में पूरे 26 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 26 आवर्स। अगर हम अभी से जश्न मनाना शुरू कर दें तो फिर मतलब पार्टी जिसको मैराथन रेस होती है ना, चलती रहती है। और जैसे कि तुम जानते हो कि न्यूजीलैंड में धूमधड़ाके के साथ नए साल का स्वागत हो चुका है। ऑकलैंड में भी हो चुका है। और 11:45 सेकंड्स हो चुके हैं और ये वक्त यूं ही तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखो वो आ गया। Monica, oh my darling,
कौन है सुनो ना आमिर, तुम्हें कोई बुला रहा है? कहो ना, कहो ना, कौन बुला रहा है मुझे? तुम्हें कोई बुला रहा है? कुछ कह रहा है इस गाने के द्वारा? बस अब ये बताओ, 2024 की और बातें तुम मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ नया नया होने वाला है, तो कुछ और नया है तो बताओ तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, मैं बताने वाला हूँ कि T20 वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट के बीच, वो भी US में होगा। और अगर हम पैरा ओलंपिक्स गेम्स की बात करें तो वो फ्रांस मेजबानी करेगा। और एक खबर अभी बस पता चली है। अच्छा। कि गोलकीपर सविता पुनिया 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन होंगी। वाओ। और वंदना कटारिया उप कप्तान के रूप में काम करेंगी। टूर्नामेंट की शीर्ष तीन टीमें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करेंगी। रियली वाओ, that's a wow news. Wow news. You're looking wow. समझ गया मैं। वैसे ही तुमको कहना चाहिए था। ठीक है, you're looking wow. जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू, महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। हैप्पी न्यू ईयर होता है जब मिलते हैं स्टूडियो में इंदु और आमिर, और आप सभी का प्यार। हाँ कितना अच्छा लगता है ना। देखो ना 11:53 हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि समय भाग रहा है बहुत तेजी से, और भागना भी चाहिए ना। हम 24 में चल रहे हैं, और इंदु 24 में जो हमारा चंद्रयान के बाद जो दूसरा यान है, जो उसकी प्रिपरेशन है, कहाँ पहुँच रही है उसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। और उसका नाम है चंद्र और सूर्य मिशन के बाद भारत अब ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर
उस चीजों के अध्ययन के लिए मिशन भेजने की तैयारी में है। बस इधर तुम जगे मेहनत करो देशवासियों, मेहनत करो। हम लोग ब्लैक होल और सुपरनोवा जैसी चीजों पर भी अपनी जो बढ़त है और पहुंच है वो पहुंचा के रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई हम तो यही कहेंगे सबको कि अपना तन मन धन तीनों संभाल के रखें, तीनों संभाल हेल्दी होनी चाहिए। और जो चीज अगर नहीं हो रही मन के मुआफिक तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी सीखना चाहिए। इन तो बहुत जरूरी होता है कि हर चीज एक दिन हमारे हिसाब से होता है और एक दिन हमारे हिसाब से नहीं होता है, नहीं। और जो नहीं होता है उसमें हमें प्रिपेयर करना होता है शांति के साथ। तो साल के रंग गोल्ड के संग 11:54 हो चुके हैं। अब देख लीजिए कैसे समय भागता है और ऐसे ही साल भर भागता रहा और भागते भागते हम यहाँ पे आ गए। इसी का दूसरा नाम है खुशी, जो आकाशवाणी गोल्ड हम सबको देता है, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे गाने बजते हैं और जहाँ पे मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ और मैं इनकी इतनी इतनी अच्छी बातें सुनता हूँ, हजम करता हूँ। नहीं, अमीर इसको कहते हैं कि मैं इनकी तारीफ करता हूँ। ओके, तारीफ करता हूँ, तारीफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी लग रहा है कि 2024 कह रहा है रुको मैं आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ कुछ ही देर नदिया के उस पार। और ये जो नदिया है हमारी सिर्फ दो